हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के विषय में आज कुछ रिवीजन करेंगे। आपको सभी चैप्टर्स के रिवीजन मिलेंगे। करना क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे। आप घर पे जैसे भी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, जब भी आपको टाइम मिले बस इन वीडियोस को थोड़ा देख लिया कीजिए। जब भी टाइम मिले, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, बीच बीच में देखते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कोई टॉपिक मेरे सिलेबस में है। तो इस तरीके से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और बेटर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है। सो एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नेट। कोई भी चीज जो किसको आयरन को या आयरन जैसी किसी चीज को अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। व्हेन ए वायर कैरी इलेक्ट्रिक करंट इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब भी कोई वायर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है तो वो भी मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल। हर मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट कहने का मतलब यह है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अभी मैग्नेट को बांध के इस तरीके से लटका दे कि वो अपनी मर्जी से घूम सके, तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करेगा एंड साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड लाइन्स। जो मैग्नेट के आसपास फील्ड लाइंस बनती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो फील्ड लाइन एराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल्स एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट में फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल के अंदर जाके खत्म हो जाती हैं। दे आर क्लोज्ड कर्व। कैसी कर्व होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं एंड फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है और मैग्नेट के आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है। साउथ से नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में जाके एंड होती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। आगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कौन कौन से फैक्टर उसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं इसके विषय में जान लेते हैं। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स। तरीके से हमने तीन बातें पढ़ी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो पहला हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस कॉइल से या उस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना करंट पास हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब कंडक्टर से जितनी दूरी पर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, कंडक्टर के जितने पास रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा रहेगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द कॉइल्स ऑफ द टर्न। जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, मतलब तार जितनी बार ज्यादा लपेटा गया होगा उसमें जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। अब हम लोग सोलेनोइड के विषय में बात करते हैं। सोलेनोइड क्या होता है। द सोलेनोइड इज डिफाइंड एज ए कॉइल ऑफ दिस मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए सिलिंड्रिकल फॉर्म। तो जब हम किसी वायर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में, कैसे वायर को जिसपे इंसुलेशन है, जिसपे कोई लेयर चढ़ी हुई है इंसुलेशन की, उसको जब हम क्लोजली क्या करते हैं, लपेट देते हैं सर्कल के फॉर्म में, तब क्या बनता है, तब जो भी बनता है उस सर्कुलर कॉइल को हम सोलेनोइड बोलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। जो सोलेनोइड है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आपका बार मैग्नेट के जैसे ही होता है। अब हम अगला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट दैट कैन बी यूज्ड। अगला है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज टेम्परेरी मैग्नेट That can be easily demagnetized. एक तरीके का temporary magnet होता है जिसे हम easily demagnetize कर सकते हैं।
इन दिस टाइप ऑफ द मैग्नेट पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। इसमें हम पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड स्ट्रेंथ कैन बी वेराइड, और स्ट्रेंथ भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट के विषय में बात करने, दीज आर द टाइप ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी ईजिली डीमैग्नेटाइज। ये इस तरीके के मैग्नेट होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट, नाम से ही दिख रहा है कि इनको हम इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। दे आर वीक मैग्नेट, ये वीक मैग्नेट होते हैं। इन विच पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज रिवर्स्ड, पोलैरिटी को हम चेंज या रिवर्स नहीं कर सकते। द फोर्स ऑफ द करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सो डिस्प्लेसमेंट, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो वो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिससे उसके अंदर मूवमेंट होती है। सो डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के विषय में बात करेंगे। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करना है। इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और फोर्स भी कैन से, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा आगे। सो दिस वाज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के विषय में बात करेंगे। व्हेन ए प्लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ना, मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तब उसके अंदर कुछ करंट इंड्यूस होता है, मतलब कुछ करंट उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। दिस करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, इस करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। सो व्हेन वी प्लेस, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन सम करेंट इज इंड्यूस्ड इन इट, एंड दिस करेंट इज नॉन एज इंड्यूस्ड करेंट, एंड द फिनोमिना इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, ए भी इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ होता है। मैग्नेटिक पोल्स, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मतलब मैग्नेट होता है। स्प्लिट रिंग्स होती है, एक्सेल होता है, ब्रश होता है, एंड गैल्वेनोमीटर होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स की। सो हमारे आसपास तीन तरीके के सर्किट होते हैं, मतलब डोमेस्टिक सर्किट नहीं, अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घरों में जो बिजली के कनेक्शंस होते हैं, इनको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलते हैं। इसमें तीन तरीके के वायर्स होते हैं, पहला होता है लाइव वायर जो कि रेड कलर का होता है, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है, मतलब उसमें ब्लैक कलर की रबर या प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है। तीसरा होता है अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें ग्रीन कलर की इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। हमारे यहाँ पे भारत में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्टेज का होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के विषय में बात कर लें, सो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है।
टू लिमिट द करेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिससे कि वो सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट की लिमिट को बांध देता है कि उससे एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इट प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से रोकता है। अगला, इट इज मेड अप ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल से बना हुआ होता है विद हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका रेजिस्टिविटी हाई होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, याद रखेंगे इस बात को। सो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लिया, जिसमें हमने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर कर ली जो कि इस चैप्टर में है। तो इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। यदि ढूंढने में दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स के आपको वीडियोस दे दिए गए हैं, शॉर्ट वीडियो जिसको इसको जिसे आप लोग कभी भी देख सकते हैं। यदि नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।